वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में स्कीम्स एंड योजना देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने पार्ट वन देख लिया था, आज हम लोग देखेंगे पार्ट टू। और इसी के साथ हम लोग की इंडियन इकोनॉमी का जो ये सीरीज चल रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखेंगे आज का पहला प्रोग्राम के बारे में। आज का पहला प्रोग्राम है आपका जनधन योजना। जनधन योजना की अगर बात की जाए तो जनधन योजना में देखा गया था कि जितने भी लोग हैं उनको बैंकिंग सेक्टर से ऐड किया जाए। ज़्यादातर आपके जो गांव में रहते हैं ग्रामीण लोग होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी उनका डिफरेंस बढ़ गया था। जैसे कि आपका लोन के लिए अप्लाई करना, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, एटीएम में जाना, ये इन सब से उनका काफ़ी डिफरेंस बढ़ गया था। तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि सभी लोगों को बैंकिंग से और भी ज़्यादा ऐड करने के लिए, इसके लिए पास किया गया था आपका जनधन योजना, जो कि पास हुआ था आपके 28 अगस्त 2014 में। तो एक बार इसका एम देख लेंगे, टू कनेक्ट मोर पीपल टू बैंकिंग सर्विसेज। उसके बाद जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपका मेक इन इंडिया। तो अभी जो इंडो चाइना एक टेंशन का वक्त चल रहा था उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या एम करता है कि जितने भी डोमेस्टिक सेक्टर्स है, मतलब जो इंडिया में प्रोडक्ट बन रहे और इंडिया में जितने भी फैक्ट्रीज हो रहे हैं उनको सपोर्ट करना है मेक इन इंडिया। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट कब किया गया था, तो 28 सितंबर 2014 को। इसका एम देख लेंगे, प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द कंट्री। फिर हम लोग देखेंगे क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन इंडिया मिशन की अगर बात की जाए तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका एम है भारत को साफ रखना, क्लीन इंडिया। इसमें ये एम रखा गया था कि 5 साल के अंदर पूरे भारत को साफ कर दिया जाएगा और भारत की सफाई जो है उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो क्लीन इंडिया मिशन की अगर बात की जाए, इसको स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, और एम रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे इंडिया को साफ कर दिया जाएगा और इंडिया आपका गंदा नहीं रहेगा। इसमें अगर आपका क्लीन इंडिया मिशन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम देखा जाए तो फिर वो है आपका निर्मल भारत अभियान योजना। निर्मल भारत अभियान योजना के तहत ये डिसाइड किया गया था कि भारत में जो भी ओपन डेफिकेशन होता है वो सब को ख़त्म कर दिया जाएगा टिल 2 अक्टूबर 2019। तो ये था आपका क्लीन इंडिया मिशन। इसके बाद अगर बात करें तो फिर आता है आपका संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना की अगर बात की जाए, इसमें देखा गया था कि जितने भी विलेजेस होते हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इसमें काम किया जाता था, जैसे कि उनका सोशल कल्चरल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। आप नाम से देख सकते हैं कि आदर्श ग्राम, तो आप नाम से ही आप जितने भी प्रोग्राम देखेंगे उनके नाम से ही आपके आपको प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो इसको स्टार्ट कब किया गया था, इसे स्टार्ट किया गया था आपके 11 अक्टूबर 2014 को। फिर आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये प्लान किया गया था कि सोसाइटी में जब भी आपके पास एडुकेशन होता है तो फिर आपको सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, और इसलिए महिलाओं को रेस्पेक्ट मिले और उन्हें भी सोसाइटी में इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए, इसलिए देखा गया था कि उनकी एडुकेशन को इंक्रीज कर दिया जाए। यही थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ताकि जो गर्ल्स एडुकेशन है उसको आपका प्रमोट कर दिया जा सके, मतलब प्रमोशन किया जा सके कि आप अपने बेटी को पढ़ाओ। तो अगर डेट देखा जाए, इसको स्टार्ट कब किया गया था, 22 जनवरी 2015 को। तो इसका एम देख लेंगे, फाइनेंशियली एंड सोशली सेल्फ रिलायंट थ्रू एडुकेशन, पढ़ाई के द्वारा। फिर आएंगे सुकन्या समृद्धि योजना। अब सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग अगर भारत का डाटा देखें उसमें हम लोग देखेंगे भारत में जो
महिलाओं को मारा जाता है, बच्चियों को मारा जाता है पेट से जन्म होने के बाद, वो सबसे ज्यादा होता है। तो इसका वन ऑफ द मेन रीजन क्या होता है कि जितने गांव के लोग होते हैं या फिर देहाती लोग होते हैं, वो सब क्या सोचते हैं कि अगर कोई लड़की होगा तो फिर मतलब खर्चा ज्यादा होता है, उसके पढ़ाई में खर्चा ज्यादा होगा, उसके शादी के टाइम पे खर्चा होगा, इसलिए लड़कियों को मार दिया जाता है। तो इसी सोच को गवर्नमेंट ने रोकने का ट्राई किया और गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया था, सुकन्या समृद्धि योजना। इसके तहत क्या है, अगर आप कोई गर्ल एडुकेशन गया या फिर बच्चियों के लिए पैसा रखेंगे बैंक में, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और ज्यादा फायदा होता है आपको बच्चियों के लिए पैसा रखने के लिए, ताकि बच्चों के ऊपर जो अत्याचार है या फिर बच्चों को खर्चे के लिए मार दिया जाता है उनके बचपन में, ये रोका जा सके। तो इसको स्टार्ट कब किया गया था, इसको स्टार्ट कब किया गया था आपके 2015 में। दिस इज अ स्कीम टू एनकरेज सेविंग, जितने बच्चे हैं उनके लिए बचत करने के लिए फॉर अ गर्ल चाइल्ड। फिर आता है आपका सेतु भरतम योजना। तो सेतु भरतम योजना नाम से ही पता चल रहा है, सेतु से कि ब्रिज के बारे में है। तो इंडिया में ब्रिज बनाने के लिए इसे लाया गया था और ये स्टार्ट कब हुआ था, तो वे स्टार्ट हुआ था आपके 4th मार्च 2016 में। इसका मेन नेम क्या है, टू मेक ब्रिजेस। फिर आता है आपका स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में क्या होता है, जितने भी शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब होते हैं और महिलाओं होते थे, उनके लिए 1 करोड़ तक के लिए लोन दिया जाता था कि आप इतना पैसा लीजिए और अपना कोई बिजनेस या अपना कोई काम स्टार्ट कीजिए। इनके लिए इसके लिए उन्हें 1 करोड़ तक लोन मिल जाता था। यही था आपका स्टैंड अप इंडिया। तो इसे स्टार्ट कब किया गया था, तो इसे स्टार्ट किया गया था 5th अप्रैल 2016 को। इसमें क्या है, लोन्स ऑफ अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक लोन मिलेगा फॉर SC ST एंड वुमेन। फिर आता है पीएम उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये लाइट के बारे में है। तो जितने भी बीपीएल फैमिलीज है, मतलब बिलो पॉवर्टी लेवल, जितने भी बीपीएल फैमिलीज है उनके लिए आपके एलपीजी जो है, एलपीजी गैस सिलेंडर उन्हें सस्ते में देना है, ये पीएम उज्ज्वला प्लान का हिस्सा था। इसे कब चलाया गया था, तो चलाया गया था आपके 1st May 2016 को। इसका एम अगर देखा जाए, प्रोवाइड एलपीजी टू द बीपीएल फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लेवल फैमिलीज एट अ सब्सिडी, मतलब कम दाम पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नमामि गंगा योजना। नमामि गंगा योजना की अगर बात की जाए, तो इसमें आपके जो गंगा नदी है उसको साफ रखने के लिए स्कीम बनाया गया था। तो ये चला था आपके 7 जुलाई 2016 से स्टार्ट हुआ था और इसका एम क्या था, क्लीनलीनेस ऑफ रिवर गंगा। फिर आते पीएम फसल बीमा योजना। तो पीएम फसल बीमा योजना में क्या किया गया था, जितने भी फार्मर्स होते थे उनके फार्मर्स के जो क्लेम होते थे उन्हें 2 महीने में सेटल करने के लिए बोला गया था। मान लीजिए कोई फार्मर है, कोई फार्मर ने अपने क्रॉप के लिए इंश्योरेंस क्लेम किया, किसी भी कारण से वो क्रॉप मानिए खराब हो गया, किसी भी नेचुरल कंडीशन से वो क्रॉप खराब हो गया और इसलिए वो कंपनी में गया ताकि अपना इंश्योरेंस जो है क्रॉप के लिए इंश्योरेंस वो क्लेम कर सके। पर ये इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती थी कि ये जो क्लेम होता था इसे 1 साल 2 साल या फिर इससे भी लंबे समय तक लटका के रखती थी और उनको पैसा नहीं मिलता था, इसलिए फार्मर्स पैसे के लोन में जाके सुसाइड करते थे, प्रेशर में आके सुसाइड करते थे। तो इससे फार्मर्स को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था पीएम फसल बीमा योजना, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि फार्मर्स के जितने भी इश्यू है वो 2 महीने के अंदर आपको सेटल करने होंगे, इन 2 मंथ सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ फार्मर्स। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, तो फिर 18 फरवरी 2016 को। ये सब मैं सिर्फ प्रोग्राम और स्कीम्स दिखा रहा हूँ,
ये कितना सफल हुआ था, कौन सा सक्सेसफुल हुआ था, इसके बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि फार्मर्स अभी कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सब बात रहने देते हैं। फिर हम लोग का लास्ट प्रोग्राम देखेंगे जो कि आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इसको हमारे इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था। इसमें क्या हुआ था, जितने इंटरनेट फैसिलिटीज होते हैं, फिर कंज्यूमर एक्टिविटीज होती है, सब कुछ मिला के एक ओवरऑल डेवलपमेंट का एक प्लान बनाया गया था। यही है आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो इसको बनाया गया था आपके इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में। इसमें बहुत बार चेंजेस लाए गए थे। तो कब कब चेंजेस लाए गए थे, 1982, 86 और 2002 में। तो आज का चैप्टर बस यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।